मुबर्रिखा 4 अक्टूबर 2024 को बाद नमाज मगरिब इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद की रिहाइशगाह पर मोहल्ला मुफ्ती टोला मुरादाबाद में एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें SPCT मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह ने भी ख़ास तौर से शिरकत की। इस मौके पर इस मौजू पर इजहार ख्याल और तबादला ख्याल किया गया कि एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला तबार में इंतहाई गुस्ताखाना और नाजेबा कलेमात अदा किए हैं, जिसको लेकर मुसलमाना ने मुरादाबाद और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। इस मौके पर SPCT मुरादाबाद ने इमाम शहर और दीगर जिम्मेदारान को ये बताया कि इस सिलसिले में गाज़ियाबाद पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। सभी हजरात ने मुसलमाना ने मुरादाबाद और सभी अवाम से ये अपील की कि वो अमन अमान कायम रखें और कानून अपना काम कर रहा है और हम लोग हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इस सिलसिले में इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सिटी चैनल को बताया। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, ये शख्स गाज़ियाबाद के अंदर हुज़ूर की शान में अपनी स्पीच में वो ऐसे अल्फाज अदा किए हैं, गुस्ताखाना अल्फाज अदा किया है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हकीकत यह है, अमन चैन सुकून के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना उस शख्स की बड़ी जिम्मेदारी है और उसने पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब कर दिया। तो मेरी शासन प्रशासन से यही अपील है कि जैसे मालूम हुआ है, हमारे अच्छी तरह से बताया कि FIR हो गई है, लेकिन FIR के अलावा कुछ गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि जो हैजान है मुसलमानों में परेशान है और हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव लोड है, तो चाहते हैं कि शहर के अंदर कुछ ना कुछ जल से जुलूस ऐसी बातें की जाए ताकि उस शासन को और राष्ट्रपति जी को हमारी बात पहुँचे और सुधार कार्रवाई हो। तो लिहाजा मुजरिम कोई भी हो, कानून के तहत में सख्ती से उसको घर में कार्रवाई होनी चाहिए और ये इसी से अमन भी कायम रहता है और कार्रवाई में कमी रही तो अमन कायम रहना मुश्किल होता है। तो लिहाजा कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, जो भी पूरी काम पूरा काम करता है और उसको अगर में चैलेंज में अगर आ जाता है तो लोगों को यही मालूम था, हाँ हमारी शासन प्रशासन जो है वो सही काम कर रहा है और मुझे इनको को सही सजा मिल रही है। बारह मेरी अपील भी है कि हम शहर के मुसलमानों के यहाँ पर मेरे पास तशरीफ ला रहे हैं और चाहते हैं सब कुछ ना कुछ को अगर में जल्द से जुलूस कर दिया जाए, बारह समझा के बजा के भेजा है, लेकिन ये हालात जज्बात को कम करने के लिए सरकार तब से कोई ऐसा कदम उठाए ताकि जज्बात मुसलमानों के ठंडियों और धार्मिक भावनाओं को आइंदा और गाली कोई कोशिश न करे किसी भी मजहब के वगैरह में पेशवा के खिलाफ जाएगा भावनाओं को तो लादे बातें अमन चैन में खलल पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नायब इमाम शहर हज़रत मुफ्ती सैयद फहद अली ने इस मौके पर कहा, आज 4 अक्टूबर बरोज़ जुमे को हमारे घर पर शहर के जिम्मेदारान हजरात जैसे खानकाह से तशरीफ लाए हुए हैं, इसी तरह मौलाना मुदम्मिल साहब हैं और दीगर हजरात से बैठकर यहाँ जो गाज़ियाबाद के अंदर उस शख्स ने हुजूर की शान में जो गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, सब ने उसकी भरपूर मदम्मत की है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता हुजूर से ऐसा है कि हमारा सब कुछ आपके लिए कुर्बान है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जेल में भेजा जाए ताकि मुसलमानों को चैन और सुकून मिल सके। अवाम से क्या कहना चाहिए? सुना है कि FIR भी हो गई है जी, लेकिन गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो ये भी हम चाहते हैं और अवाम से ये अपील है कि सब्र से काम लें और किसी तरह के बहकावे में ना आए और सड़कों पर बगैर अपने बड़ों के मशवरे के कतन ना आए ताकि उसका गलत असर हो। जज़ाक।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने बताया, देखिए आज एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे जिसमें एक व्यक्ति जो गाजियाबाद का निवासी बताया गया है, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे एक समुदाय के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जैसा कि लोग अभी बता रहे थे। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ की लोकल पुलिस जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कर रही है। और मैं ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर कहीं पे विधि के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो पुलिस अपना काम करती है, वे भरोसा रखते हैं। और हमेशा जो शहर है मुरादाबाद या फिर जनपद मुरादाबाद के लोग से मैं बार बार जैसे कि अपील भी करता हूँ कि हमेशा कोई मुद्दा होता है तो उसमें अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर विश्वास करें, और मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग विश्वास रखें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी और दरगाह हजरत सैयद सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद सुल्तान मिस्र रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मुतवल्ली व इंतज़ामिया कमेटी के सदर सूफ़ी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी, मिशन के कन्वीनर और दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सैयद शिबली मियाँ साहब, उनके छोटे भाई और दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सैयद सरवर मियाँ, जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मौलाना मुजम्मिल हुसैन, मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और साबिक वजीर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब के साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद सादिक, समाजी कारकुन रिजवान कामिल, सैयद जैन अली, सैयद इमरान अली, बाबू भाई मोहम्मद संजर उर्फ बिट्टू, मरकजी जमीयत अहले सुन्नत के नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी, इंस्पेक्टर मुगलपुरा कुलदीप सिंह तोमर, मिर्ज़ा अयूब बेग वगैरह समेत बड़ी तादाद में शहर के जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे।